एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220। देखो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो रेटेड वोल्टेज पर है, कितने पर, 220 वोल्ट पर है। और पावर उसका कितना है, 2 किलो वाट है। किलो मीन्स हो गया बेटे 10 रेज टू पावर 3 वाट हो गया। इफ़ आयरन इज यूज फॉर 3 आर, और टाइम कितना लग रहा है उसको यूज करने के लिए, 3 आर्स लग रहे हैं, डेली यूज किया जा रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रनिंग इट फॉर 1 वीक, एक वीक में अगर उसको कंटिन्यू यूज किया गया हो तो कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जबकि कह रहा है 1 किलोवाट आवर की जो कीमत है वो 4.25 रुपीज़ है। ठीक है, तो पहले तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपीज़ वो पे करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पावर हमारा किलो वाट में होना चाहिए, और टाइम अगर मेरा आवर में है तो ये सीधा सा वैल्यू है कि पी इंटू टी का जो कमर्शियल यूनिट आएगा वो किलो वाट आवर में आ जाएगा, और फिर हमारा क्वेश्चन अपने सॉल्व की ओर पहुंच जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी की वैल्यू देखो किलो वाट आवर है, इसको खामखा कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 2 किलो वाट आर हो गया, और टाइम हमारे पास 3 आवर है तो 3 आवर रख दिए, ये हमको मिल गया कितना, 6 किलो वाट आवर मिल गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई उस इलेक्ट्रिकल आयरन का, जो कि ये 2 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, सॉरी दो नहीं 3 घंटे के लिए यूज किया गया है। लेकिन ये कह रहा है कि ये 1 वीक तक कंटिन्यूस यूज किया गया है, इसका मतलब 7 दिन कंटिन्यूस, 1 वीक में, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 दिन लगातार यूज किया गया है, तो 1 दिन की ये एनर्जी है, तो 7 दिन के लिए अगर कहें, यानी कि फॉर 7 डेज, या कह सकते हैं कि 1 वीक, इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो एनर्जी है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एनर्जी 7 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 42 किलोवाट आवर हो जाएगा, जो कि एक हफ्ते में इतना इलेक्ट्रिक टोस्टर ने एनर्जी कंज्यूम कर रखा है। तो अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूं कि, और ये कह रहा है कि 1 किलोवाट आर का जो कॉस्ट है वो 4.25 रुपीज़ है, तो अब मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा कॉस्ट, तो 42 × 4.25 रुपीज़ हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो 42 किलोवाट आवर एनर्जी उसने कंज्यूम किया है उसका पूरा कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 178.5 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि जितना पूरे वीक में उसने इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज किया है या आयरन यूज किया है तो उसकी पूरी कीमत निकल कर आ जाएगी, क्योंकि पूरे वीक में 42 यूनिट उसने यूज किया यानी किलो वाट आवर यूज किया, और 1 किलो वाट आवर की बिल या कह सकते हैं कॉस्ट है 4.25, तो उससे मल्टीप्लाई होकर 178.5 रुपीज़ उसको पेमेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी 42 किलो वाट आर यूनिट के लिए।